कारण माना जा रहा है एयर पॉल्यूशन, हृदय रोग, लकवा के बाद अब अधिक से अधिक लोग सीओपीडी की गिरफ्त में जा रहे हैं। यह बीमारी अधिकांश धूम्रपान और धुएं के कारण होती है। एक्चुअली में आज वर्ल्ड सीओपीडी डे है, जो हमेशा हर एक ईयर 17 नवंबर को मनाया जाता है, जैसे ही ठंड का सीजन शुरू होता है। और हर साल कुछ न कुछ थीम होती है वर्ल्ड सीओपीडी डे में। इस बार की थीम है कि हम ज्वाइन एंड प्रिवेंट द लंग अटैक इन जनरल पॉपुलेशन ऑफ पर्सन ऑफ सीओपीडी। मीन्स मेन थीम हमारी ये है कि हमको लंग अटैक जो होते हैं, जिस प्रकार से हार्ट अटैक होता है उसी प्रकार लंग अटैक होता है, इसका हम बचाव किस प्रकार से करें। तो इसके लिए पहले हमको मैग्नीट्यूड जानना होगा कि कितना ज़्यादा उसकी सीवियरिटी है। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो लंग अटैक हमारे इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। जितनी भी डेथ होती है तो फर्स्ट क्या है, इस्टीमिक हार्ट डिसीज हार्ट अटैक है, और दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है जो डेथ का वो लंग अटैक है। जो कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन 18% है, 18% है, जबकि लंग अटैक या सीओपीडी की संभावना हमारे इंडिया में 32% है। मीन्स पॉपुलेशन की डबल है। अब इसका ये होता क्या है, ये किस वजह से होता है, इसको हम पता कैसे लगाएं, इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें, इसको बचाव कैसे करें, इसके बारे में जागरूकता हमारे बीच में लोगों के पास बहुत कम है। और उसी जागरूकता के लिए ये वर्ल्ड सीओपीडी हर साल 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों में जागरूकता हो, जिससे हम उसका बचाव कर सके। होता है कि जो हमारे लंग होते हैं नॉर्मली स्पॉन्जी होते हैं, अगर कोई भी स्मोक, चाहे वो टोबैको का हो, चाहे एयर पोल्यूशन का हो, चाहे चूल्हे का स्मोक हो, अगर ये हमारे लंग्स में बार बार पड़ते हैं तो इनकी वजह से लंग्स हमारे स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ होने की वजह से कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना और CO2 का ब्लड से बाहर निकालना, तो वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऑक्सीजन को भरपाई के लिए हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बार बार लंग स्मोक की वजह से लंग्स डैमेज होते हैं, तो खांसी होती है, सीने में दर्द होता है, कमजोरी होती है, जोर से सांस लेता है, थकता जल्दी है। इसके अलावा हम उसकी चेस्ट की और गर्दन की मांसपेशियों में भी ज़्यादा वजन पड़ता है, और दूर से भी हम देख के कारण में जाएं तो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण तो स्मोकिंग है। लेकिन अभी 10 या 15 साल से ये देखा जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन स्मोकिंग से भी ज़्यादा कारण है, ज़्यादा बड़ा रीजन है ये COPD या लंग अटैक प्रोड्यूस करने के लिए। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बढ़ने